जिस तरीके से ईडी ने एफआईआर दर्ज की उसके बाद तुरंत मुंबई पुलिस कोर्ट पहुंच जाती है और 1400 पन्नों की जो है चार्जशीट दाखिल कर देती है और बताया जा रहा है कि उसमें भी काफी झोल है, चाहे वो गवाहों से जबरदस्ती बयान दिलाना हो, चाहे वो ट्राई के उल्लंघन नियमों का उल्लंघन करना हो। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, 1400 पन्नों की चार्जशीट आज तक महाराष्ट्र या फिर पूरे इस देश के इतिहास में इतनी जल्दी तो फाइल नहीं होगी। मैं कानून का उतना बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैं अपने देश की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आपने इतनी एफिशिएंसी अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिखाई होती तो शायद उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंक्लूजन पर यह देश पहुंच चुका होता। लेकिन इस देश में कितनी इरेगुलरिटीज होती हैं, खास तौर पर पुलिस के केसेस को लेकर, वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर इतना एफिशिएंटली काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार और खास तौर पर वहां की पुलिस, विच इज डायरेक्टेड बाय ऑब्वियसली परमवीर, तो जिस तरह से चीजें उन्होंने की है ये तो शक अपने आप ही पैदा करती है। मतलब हमारा एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे झोलझाल हैं, मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूं लेकिन ये सच्चाई है, इस देश की जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सब ये जानते हैं। उसके बावजूद एक पुलिस इतना एफिशिएंटली काम कर रही है, 1400 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर रही है और जल्दी से जल्दी ट्रायल मांग करती है और उनके जो टॉप बॉस हैं वो स्पेशली आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए घोड़े दौड़ाते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें जल्दी से इसमें इंसाफ चाहिए और कहीं ना कहीं हम जेल में डालेंगे। यानी कि एक प्री मेरिटेटेड माइंड से अर्णब गोस्वामी को कैच करने का कोशिश किया जा रहा है और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से उसको फ्रेम करके एक पॉलिटिकल वेंडेटा बनाने के बाद उसको अंदर डाला जाए। दूसरा, आपने कहा कि टीआरपी केस के एफआईआर होने के बाद तुरंत ये सब किया गया, क्योंकि टीआरपी केस में ईडी ने जो एफआईआर फाइल की है उसके हिसाब से वो उसके फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज और तमाम चीजों को देखना चाहते हैं। उसके बाद उसका वो एक सारा एंगल खोल के, और जिस तरह से पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा हंसा की रिपोर्ट इस देश की जनता के सामने आई है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कॉपी थी वो सामने निकल कर आई है जिसमें परमवीर सिंह ने बैठ बैठ कर इस देश के तमाम मीडिया चैनलों को बताया था कि नहीं, टीआरपी में झोल है, इसमें किस तरह से रिपब्लिक ने लोगों को 200, 400, 500 रुपए दिए हैं और उसके देने के बाद इनकी टीआरपी इस तरह से पहुंची है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया। बाद में उसमें से जब वो रिपोर्ट्स निकल कर आई तो पता चला कि उसमें तो रिपब्लिक का नाम ही नहीं था, उसके बाद किसी दूसरे चैनल का नाम था जिसने एक बार 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया था। तो बेहतर होता कि वो शायद चीजें सच करते, लेकिन अब उनको पता है कि उनका जो वो एक बोगस केस उन्होंने बनाया है उसकी पोल पट्टी खुलेगी, ईडी में उसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में घुसेगी, इन्वेस्टिगेशन में घुसने के बाद जब उसमें जांच होगी तो तथ्य कुछ और निकल कर आएंगे, और तथ्य कुछ और निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका पूरा डिपार्टमेंट कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो वो अब अपने लिए एक डिफेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें वो इस देश को बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमने एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अर्णब गोस्वामी को फिर से जेल में डाला जाए। लेकिन जो परमवीर सिंह कूद कूद कर इंटरव्यू दे रहे थे वो कह रहे हैं कि इस मामले पर आज मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि इस देश में किस मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग होनी चाहिए और किस पर नहीं होनी चाहिए, यह मामला मीडिया पर ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई किस पर करेगी किस पर नहीं करेगी ये पुलिस के हाथ में है ना। परमवीर सिंह के डिपार्टमेंट में जाकर अर्णब गोस्वामी उनके कुर्सी पर बैठकर या बराबर में बैठकर ये तो कहते नहीं है कि भाई फला आदमी पे एफआईआर होनी चाहिए, फला पर नहीं होनी चाहिए, इसको उठाया जाना चाहिए, इसको नहीं उठाया जाना चाहिए। आप गलत काम करते हो, रात दिन में लोगों को उठाते हो, आपको हाई कोर्ट एक तरह से आपको तमाचा मारता है। मुंबई पुलिस वाले मामले में जिस केस में कंगना रनौत का घर तोड़ा गया उसमें आपको तमाचा लगता है, तमाम तरह की चीजों में आपको लगातार कोर्ट से अलावा तमाचों के कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन बावजूद उसके आप आज भी करते वो हो जो आप चाहते हो। इसी तरीके से मीडिया के पास भी अधिकार है, जिस तरह से इस देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, उनके पास आजादी है क्या रिपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है, किस शब्दों में करना है और क्या किस तरीके से करना है, वो उनकी आजादी है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो मीडिया रिपोर्टिंग किस बात की होनी चाहिए ये परमवीर सिंह तय नहीं करेंगे, ये एक न्यूज चैनल करेगा, एक मीडिया हाउस डिसाइड करेगा, और अभी भी वही डिसाइड कर रहा है और आगे भी आने वाले समय पर वही डिसाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर वो इस तरह की कोई भी पिटिशन या एप्लीकेशन लेकर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनको मीडिया को लेकर काफी क्लैरिटी के साथ बता चुका है। नंबर वन, अर्णब गोस्वामी के केस में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा आपने कि किस तरह से उनका रिमार्क था, उन्होंने खास तौर पर कहा कि इस देश में अगर कोई भी फ्री प्रेस है तो उसका जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट इन चीजों का ध्यान रखेगा, और अगर एक भी व्यक्ति को एक भी दिन के लिए खास तौर पर अगर हॉन्ट किया जा रहा है तो वो अपने आप में गलत है, इसकी जिम्मेदारी जो है कोर्ट्स की है और एपेक्स कोर्ट इस देश में बैठा है।
तो मुझे लगता है वो उनका सुना जाना है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के जो ट्रायल्स की बात करते हैं, अर्णब गोस्वामी के केस में क्यों नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, या फिर क्यों मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए? इस देश में कौन सा ऐसा केस है जिस पर मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? हर केस में मीडिया ट्रायल हुआ है, तो मीडिया ट्रायल से डरना कैसा? होने दीजिए ना मीडिया ट्रायल, अगर आप सही होंगे, ना ही तो इस देश की कोर्ट्स मीडिया पर चलती हैं, ना ही उन रिपोर्ट्स को एडमिसिबल किया जाता है, वो हर किसी की अपनी एलिगेशन है, उनका एक पत्रकारिता है कई जगहों पर, वो पत्रकारिता आगे जाकर बहुत ही अच्छा एक एविडेंस बनी भी है, कहीं ना कहीं कठुआ केस में एक न्यूज चैनल की एक जो रिपोर्ट थी उसको एडमिसिबल किया गया कोर्ट में और उसको माना गया। इसी तरीके से मुझे लगता है जब तक इस देश में मीडिया फ्री है तभी सच्चाई की आप उम्मीद कर सकते हैं, और उसी तरीके से ये देश जैसे चल रहा है आगे भी चलेगा। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, चाहे वह महाराष्ट्र सरकार हो, मुंबई पुलिस हो, सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुका है, लेकिन जो गृह मंत्री है वो कह रहे हैं कि जो अवन्या नाइक सुसाइड केस है हम दोबारा से स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दाखिल करेंगे और अर्णव गोस्वामी को जेल भेजने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल विंडिकेशन है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जब भी किसी स्टेट में वहां के कोई मुखिया या महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की चीजें कह रहा है और ओपनली आकर पब्लिक फोरम में ये कहता है कि यहां पर हम इसको जेल में डालेंगे, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, उसको खींच कर ले जाएंगे, कॉलर पकड़ कर ले जाएंगे, और जब आपके चीफ मिनिस्टर ये कहने लगे कि शेर को अगर छेड़ोगे तो वो पलट कर तो आपसे आपके ऊपर तो पंजा मारेगा ही, तो फिर एक काम करिए ना, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे क्यों, उतर के गुंडागर्दी करने लगे, क्योंकि बदला लेना ये सब करना ये सब तो गुंडागर्दी की श्रेणी में ही आता है ना, क्योंकि सरकार का काम है इस देश की जनता की, किसी भी स्टेट की जनता के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, उनको आगे बढ़ाना, जनता के हित में काम करना, और जब उनका क्रिटिसिज्म होता है तो पलटकर सरकार जवाब नहीं देती, कैट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास अथाह पावर इस संविधान ने दी हुई है, और वो इसलिए दी हुई है ताकि वो इस देश की जनता के लिए कुछ काम कर सकें। अगर आप वो काम छोड़कर, अगर कोरोना छोड़कर, अगर सुशांत सिंह छोड़कर, अगर पालघर छोड़कर, अगर कंगना छोड़कर आप अर्णब गोस्वामी के पीछे पड़े हैं, और जो 14 करोड़ जनता है महाराष्ट्र की उसका विकास छोड़कर आप एक व्यक्ति के पीछे पड़े हैं, इसका मतलब आप वो कुर्सी डिजर्व नहीं करते। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कहा है उनके होम मिनिस्टर ने, ये तो अपने आप में कंडेमनेबल एक चीज़ है। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, एक साल पूरा होने पर उद्धव सरकार ने एक इंटरव्यू दिया है, वो भी सामना में, और किसे, वो भी संजय राउत को, जिस जो इंटरव्यू कम धमकी ज़्यादा लग रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं भाजपा के जो नेता है नारायण राणे सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं कि खिचड़ी पकाना हमारे पर भी आता है, हम देख लेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, किसी भी सरकार की इस तरह की भाषा मुझे लगता है ये इस हिंदुस्तान का लोएस्ट लो है। अगर आज इस देश में एक बार भी कोई भी नेता ये कह दे किसी भी दूसरी पार्टी के नेता को हम देख लेंगे, या फिर इस देश के प्रधानमंत्री इस बात को अपने विपक्ष के लोगों को कह दे हम देख लेंगे, तो सोच लेना किस तरह से इस देश की जनता, जो खास तौर पर एक अलग लॉबी है, किस तरह से वो तमाम वो लुटियंस, दिल्ली वाले पत्रकार, वो दरबारी मीडिया, वो एक स्यूडियो सेक्युलर लोग, वो लिबरल लोग किस तरह से सड़कों पर आएंगे और कहेंगे कि संविधान खतरे में है, ये देखिए सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, और वहां पर बैठकर महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर ओपनली बोल रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, लोगों को खींचकर गले से पकड़कर जर्नलिस्टों को जेल में डाल रहे हैं, और तमाम लोगों पर ये चीजें की जा रही हैं, कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भी, कोर्ट के सख्त एक्शंस के बाद भी वो इस चीज को बाज नहीं आ रहे हैं। ये देखने की जरूरत उन लोगों के लिए भी है जो इस देश में फ्री प्रेस की वकालत करते हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी की नीति दमनकारी नीति है और प्रेस को बोलने नहीं दिया जाता, जो कहते हैं कि ये सरकार एक हिटलर शाही में चली गई। आपको रियल हिटलर शाही देखनी है, जाकर देखिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से काम कर रही है, और आज आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल जब आपके ऊपर ये सब चीजें हो रही होंगी, तमाम तरह के अत्याचार कोई सरकार बोल कर रही होगी, तो कोई और भी आपके साथ आकर खड़ा नहीं होगा।